रैम जो भी है सारी डैमेज है, आप देख सकते हो। ये देखो ना कोई ड्रेन्स का सिस्टम, ऊपर से ये यहाँ पे दो दो MLA रहते हैं, बट रोड की कंडीशन देख सकते हो आप सर, पीछे भी देखो और नीचे भी देखो, यहाँ पे ना कभी कोई काम हुआ ढंग का ना कुछ। पानी बारिश होती है तो पानी सीधा घरों में जाते हैं, मस्जिद नीचे मस्जिद में भी जाता है, दुकानों में भी जाता है, यहाँ जितने भी शॉपकीपर्स हैं सबके दुकानों में पानी चले जाता है। तो सर यही रिक्वेस्ट है DC साहब से कि इसका थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाए ये अच्छे से। ये जगह जो है गोविंदपुरा अपर मैत्रा है, तो सबसे पहले ये देख ही रहे हैं आप क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, जो भी गाड़ी आती है वगैरह ना कोई ड्रेनेज का सिस्टम है ना कुछ है, क्या बोलते हैं जो भी गाड़ी आती है बिल्कुल बुरी हालत है। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चलता भी रहता है, कोई देखभाल नहीं है, कुछ नहीं है। पहले भी यहाँ पे क्या बोलते हैं नाली जो ब्लॉक हुई थी, हमने यहाँ पे मिट्टी वगैरह ऑटो में भरी थी हमने, तो बस उसके बाद फिर से क्या बोलते हैं बारिश वगैरह होकर तो ये यहाँ पे बुरी हालत हो जाती है। तो यहाँ पे गिरने वगैरह का चांस है, यहाँ पे 2-व्हीलर चल नहीं सकता, रोड भी कुछ खास नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन इसको लेकर बहुत ढील है। तो कम से कम ये हो सके जल्दी से जल्दी इसका काम कराया जाए। मैं नीरज सिंह चिब, चेयरमैन नेशन फर्स्ट ट्रस्ट रामबन का निवासी हूँ, और जिस रोड की आज हम बात कर रहे हैं ये रोड है मैत्रा गोविंदपुरा। इस रोड की बहुत ज़्यादा खस्ता हालत है, जगह जगह बहुत बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं जिसमें आने जाने में बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। टोटली ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है, और पिछले चार साल से हम एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार रिटर्न एप्लीकेशन हमने दी, XN PWD से भी मिले, DC रामबन से भी दो बार, इस प्रेजेंट DC रामबन से मैं दो बार मिला हूं, बट अभी तक इस रोड का कुछ नहीं हुआ। बीमार पेशेंट को ले जाना, प्रेग्नेंट वुमेंस को ले जाना इतनी ज़्यादा मुश्किल आती है, और खुदा न खास्ता इस रोड पे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन की होगी। और मैं फिर से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस रोड को लावारिस रोड ना बनाएं, जितनी जल्दी हो सकता है इसकी रिपेयरिंग का काम शुरू किया जाए। और मैं मीडिया कर्मचारियों का, भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि एक फ़ोन कॉल पे वो सब यहाँ पे आए।